राज्य की राजनीति में हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है। हर दिन किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ना कोई नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है। ऐसी श्रृंखला में अब आरपीआई के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र गवई महायुति के साथ जाने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि राजेंद्र गवई महाविकास आघाड़ी से नारा चल रहे हैं और वे आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसी श्रृंखला में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है राजेंद्र गवई से। आरपीआई के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ है राजेंद्र गवई जी, हम उनसे जानते हैं कि हाल ही में ऐसा मतलब सुनाई आ रहा है कि आप महायुति में जाने वाले हो, भाजपा के साथ आप जाने वाले हो, इसमें कितना तथ्य है? नहीं भाई, महाविकास आघाड़ी से नाराज हूँ और देवेंद्र जी के साथ में मेरे पारिवारिक संबंध है बस। लेकिन ये बात कहाँ से आई कि महायुति से मैं जाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए असेंबली के, पिंपरी में हुए और पूना में हुए अब 3-4 महीने पहले, उसमें कोई भी अंबेडकराइट उनके साथ में नहीं था, कांग्रेस के साथ में, महाविकास आघाड़ी के साथ में मुझे बुलाया गया। मेरे वहाँ पे स्पीचेस लिए गए आदित्य ठाकरे जी के और मेरे स्पीचेस लिए गए, अजित पवार तो वहीं थे, उनके साथ में भी मेरे भाषण लिए गए, नाना पटोले जी के और मेरे भी भाषण हुए, अशोक चौहान और मेरे भी हुए, चुनकी भी आई उस सीट, यानी महाविकास आघाड़ी की सीट बीजेपी के सामने चुनकी आई। भूल गए हो, कल उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम अमरावती की जो सीट है हमारे चिन्ह पे लड़ेंगे, कांग्रेस खुद लड़ेंगे, यानी उनको बाबा साहब अम्बेडकर चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि राजेंद्र गवई हमारे उम्मीदवार रह सकते हैं, मुझे फ़ोन आया, संदेश आया, लेकिन उनको हमारे चिन्ह पर लड़ना पड़ेगा, हमारे पक्ष पर लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब उनको बाबा साहब चाहिए, बाबा साहब के गुण गाएंगे, लेकिन बाबा साहब ने जो स्थापित की ओरिजिनल पक्ष, ओरिजिनल जो पक्ष है ए बी सी नहीं, मेरा पक्ष वो पक्ष नहीं चाहिए, बाबा साहब के विचार नहीं चाहिए। अगर इनको बाबा साहब अम्बेडकर के विचार नहीं चाहिए तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, फिर मैं महाविकास आघाड़ी को रोक लगाऊंगा। तो नाराजगी इस बात से है कि पक्ष नहीं चाहिए लेकिन विचार जो है विचार चाहिए, इस बात से नाराज है, और नाराजगी अगर दूर होती है तो क्या महाविकास आघाड़ी के साथ ही आप लोकसभा में चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल, लेकिन जो इतिहास है वो इतिहास के देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये लोग हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, इस बार भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो मैं उनको जगह दिखा दूंगा। हमारा तो पुराना नारा है, हम भी डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ये नारा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए अगर आप महायुति के साथ जाते हो तो वहाँ से जो अपक्ष सांसद है नवनीत राणा, ये बीजेपी के समर्थन में रहते हैं, अगर आप महायुति के साथ जाते हो तो किस तरह से ये सब पॉसिबल है? मैं तो कह रहा हूँ आपको कि महायुति का अभी तक कोई ऑफर नहीं आया, दोस्ती अलग चीज़ पर है, विचार अलग चीज़ पर है, देवेंद्र जी हमारे दोस्त है, कोई ऑफर नहीं आया। और जिस तरह देवेंद्र जी के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, वैसा राणा परिवार भी हम एक ही परिवार है, हम काफ़ी मिलकर हमारे ठीक है मतभेद होंगे, राजकीय मतभेद होंगे, लेकिन पारिवारिक रूप से राणा परिवार और हम बहुत जुड़े हुए हैं। तो आगामी चुनाव को देखते हुए किस तरह से आपकी तैयारी रहेगी? आज के तारीख में मैं कल कर चुनाव नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर कर रहा हूँ। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ लोगों के साथ में कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मुझे एक किताब दीजिएगा, एक पेन दीजिएगा, मैं 1500 कार्यकर्ताओं का, मेरे लोकसभा का, बाहर का नहीं, बाहर के भी तो ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूँ, मैं 1500 कार्यकर्ताओं का नाम, उसका गांव और उसका सर्कल, जेडपी सर्कल, वो लिख के दे सकता हूँ। मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर कर रहा हूँ, मैं मेरी ताकत, मेरे बैंक में कितना अकाउंट है, मेरे पास में कितने कार्यकर्ता हूँ, वो आज मैं संभाल के रह रहा हूँ, उनके दुख दर्द समझता हूँ, कोई पेशेंट हो तो पेशेंट एडमिट करता हूँ, किसी का पुलिस स्टेशन का काम हो तो वो पुलिस स्टेशन का काम करता हूँ, विधवा होता हो तो विधवाओं को ले जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो देता हूँ, अपंग है उनके लिए स्कीम्स देता हूँ, जो श्रावण बाल की स्कीम्स है वो देता हूँ, गांव-गांव में जाके छोटे छोटे जो प्रश्न है, मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को कहा है, अपन बड़े बड़े ख्वाब, उनको बड़े बड़े महल तो दे नहीं सकते, लेकिन जो जो छोटे छोटे प्रश्न है वो प्रश्न को सुलझाओ, और मेरे आज 150-200 कार्यकर्ता इनके प्रश्न सुलझाने में लगे हुए हैं। जैसे कि चुनाव को नहीं लेकिन जो मेरी ताकत है, जो मेरे कार्यकर्ता है, उनके जो समस्या है वो झुड़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा राजेंद्र गवई इन्होंने कहा है। तो अब ये देखना होगा कि आगामी चुनाव के लिए किस तरह से रणनीति जो है अमरावती में बनती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।